भाइयों नमस्कार। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस पूरे देश में वैश्विक महामारी की तरह फैल चुका है, जिसे रोकने के लिए तमाम उपाय सुझाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा लोगों को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है और हैशटैग चलाया जा रहा है हाथों को डिसइंफेक्टिफाइड करने के लिए। इसी क्रम में हम आगे लोगों को घरों को मेजों को कुर्सी को भी डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है और हम इस चीज़ को अपने घरों में कैसे कार्बोलाइज करके अपने सामान को वस्तु को अलमारी को कुर्सी को मेज को बच्चे के खिलौने को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उसका कुछ तरीका हम आपको बताएंगे। कार्बोलाइज हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो एक पानी का बोतल ले लें, इसमें 1 लीटर से कम पानी भर लें और थोड़ा सा कार्बोलिक एसिड अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो कार्बोलिक एसिड से भर लें। कार्बोलिक एसिड 200 ग्राम मिला लें और उसको मिलाकर उसको आसानी से गीला कर लें। गीला करने के उपरांत आप जैसे ये आपका फ्रिज है, फ्रिज को हम बार बार खोलते हैं जो बैक्टीरिया इसमें चिपक जाते हैं उसको हम डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको हम अच्छी तरीके से पोंछ सकते हैं, अलमारी को पोंछ सकते हैं, पूरा फ्रिज अपने डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम दरवाजे को अलमारी को अपने अच्छे तरीके से पोंछ कर इसको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। जिस चीज़ को एक कुंडी को हम बार बार छूते हैं इसको भी हम अच्छी तरह से पोंछ दें ताकि यहाँ का बैक्टीरिया मर जाए। इसी तरह इस कुंडी को भी अच्छी तरीके से पोंछ दें कि ये बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेड हो जाए। इसी प्रकार से हम दरवाजों को कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी कुर्सी को कर सकते हैं, भी हम यहाँ बार बार पकड़ते हैं इसको हम यहाँ बैक्टीरिया चिपकने होने के चांसेस जाते हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने मेज को भी अच्छी तरह से पोंछ के डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और उचित हो तो घर में सब पोछा अच्छे तरीके से कराएं जिसमें कुछ केमिकल प्रयोग कर सकते हैं या कार्बोलिक एसिड भी मिला के हम घर में पोछा लगा सकते हैं। धन्यवाद।